बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम भाइयों, बहनों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम मिलकर दुआ करते हैं कि या अल्लाह इस बाबरकत रात और इस बाबरकत महीने के सदक़े हमारी तमाम परेशानियाँ, दुख तकलीफ़ें दूर फरमा दें और हमारी जो भी जायज़ हाजात हैं वो सब पूरी फरमा दें, आमीन। दोस्तों, जब दुआ की जाए तो सब आमीन कह दिया करें। कहते हैं कि जहाँ पर 40 बंदे मिलकर आमीन कह दें वो दुआ रद्द नहीं होती, वो दुआ ज़रूर कबूल होती है। क्या पता हमारे आमीन कहने से किसी का भला हो जाए। आज मैं आप लोगों को दूसरी शब कदर यानी कि 23वीं शब के कुछ खास नवाफिल के बारे में बताने लगा हूँ। 4 रकात नफिल 2 सलाम से पढ़नी है। हर रकात में सूरह फातिहा 1 बार और सूरह इखलास 3-3 बार पढ़ें और बाद सलाम 70 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। उसके बाद 8 रकात नमाज 4 सलाम के साथ पढ़नी है। हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह कदर 1 मरतबा और सूरह इखलास 1 मरतबा पढ़ें और बाद सलाम 70 मरतबा कलमा तमजीद यानी तीसरा कलमा पढ़ें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाह इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियिल अज़ीम। उसके बाद रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगे, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर हमारी परेशानियां, दुख तकलीफ़ें दूर होंगी। अच्छी बात को दूसरों तक पहुंचाना सदका जारी है। हमें दें इजाज़त, मिलते हैं नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।